रितु चल अपने फ्रेंड सरगम से बात कर लेती हूँ। हाँ हो गया, कॉल आया, चलो उसे पिक करती हूँ। हम मॉल चलते हैं, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, सिर्फ 10,000 की ड्रेस है। हाँ यार चलते हैं, मास्क लगा कर हैंड सैनिटाइजर करके चलेंगे, पूरा मॉल ही खरीद लेंगे। मेरे पास सिर्फ 1 लाख ड्रेसेस हैं। चलते हैं चल। यार देख हम रास्ते में तो आ गए, देख मैं ना शेक वाली शॉप पे जा रही हूँ, मैं ना 1,000 का शेक लेने वाली हूँ। आजकल ना अच्छे शेक ही नहीं मिलते, कहीं उल्टी आ जाती है पी के दवाई जैसे। ले गई, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो रही होंगी। हेलो जी, मैं ना कविता हूँ। कल तो ठीक है, अब ये बताओ कि कल दिवाली है क्या? नवरात्रि है। What? एवर नहीं, वो अच्छा था पर हमें समझ ना आया। पता है हमने 10 रुपए के 10 सेब खरीदे हैं। डर्टी गर्ल, आपने हमें धक्का क्यों दिया? मुझे तो बात करना ही बेकार है। मुझे धक्का दिया, गरीब लोग भी अच्छे होते हैं। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, आप तब भी रोते हो। हमारे पास फटे हुए कपड़े हैं, हम तब भी खुश हैं। ये क्या बात हुई, आप समझ लेना। आप लोग लोग आपके पास इतने कपड़े होते हैं, आप तब भी खुश नहीं रहते। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी। कौन थी वो? यार उसने मुझे सही बात बताई, गरीब लोग भी अच्छे ही होते हैं। उसके पास फटे हुए कपड़े हैं तब भी वो खुश है, हमारे पास तो नया नया कपड़ा है ये देख तब भी हम मॉल में जा रहे हैं। उनके पास तो गाड़ी भी नहीं है तब भी वो खुश है, हमारे पास तो गाड़ी भी है 2 लाख की तब भी हम खुश नहीं हैं। उनके पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो पैसे भी है तब भी वो खुश है और हम खुश नहीं। तुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए, मैंने तो सॉरी बोल दिया, तुझे भी बोलना चाहिए। प्लीज कविता, अरे कुछ नहीं होता। थैंक्स।